गुड इवनिंग एवरीवन। अभी इन जो टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हमने क्या देखा बेटा, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने देखा हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, अब हम सीखने वाले हैं व्हाट हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले दो एक्सरसाइज में हमने ऑर्डर देखा, इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने का वो देखा, फिर हमें सॉल्यूशन दिया गया था। करेक्ट, हमें कुछ जगहों पर सॉल्यूशन दिया गया था, हमने उन सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना सीखा। ठीक है, अब जो हम सीखने वाले हैं बेटा उसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा देर आर टू मेथड्स बेटा। वन इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी कि जो हमारे एक्स और वाई के वेरिएबल्स है ना बेटा, उनको अलग अलग कर दो। ठीक है, और फिर आप उसे सॉल्व करो। अभी आप बोलेंगे सर बात चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सर आपने तो बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई और डी वाई और डी एक्स। बिल्कुल सही, लेकिन बेटा जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव भी होगा, तो जो डी वाई वाला होगा उसे एक साइड रखेंगे और जो डी एक्स वाला होगा वो एक साइड रखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझेगा। जहां पर फिर वेरिएबल और सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, वहां पर हम जाएंगे हमारे सेकेंड मेथड पे, दैट इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज कॉल्ड एज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा। तो हमको ये दो मेथड सीखने हैं। तो जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत आराम आराम से जाऊंगा, आज हम लोग सिर्फ पहला वाला मेथड ही सीखेंगे बेटा। आई एम ओनली गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दी फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड कल देखेंगे। ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड है क्या, जैसे कि मैंने कहा डी वाई और डी एक्स के टर्म्स को एक साइड ले लेना है आपको। करेक्ट, दो ही स्टेप परफॉर्म करने हैं आपको। सो इफ आई एम डीलिंग विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड बेटा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यू नीड टू ओनली परफॉर्म टू स्टेप्स, यू नीड टू ओनली परफॉर्म टू स्टेप। स्टेप वन क्या है बेटा, डी वाई और डी एक्स के टर्म्स को अलग अलग करो। डी वाई का टर्म जब मैं बोल रहा हूँ मतलब वाई के साथ, और जब मैं डी एक्स बोल रहा हूँ मतलब एक्स के टर्म्स डी एक्स के साथ। जैसे ही आप इन्हें अलग अलग कर देंगे, सेपरेट, नाम से ही पता चलता है, सेपरेट सेपरेट कर दिया, अवर स्टेप टू विल बी यू गो फॉर इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स। अभी आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन क्यों, अरे हमने सीखा है बेटा ऑलरेडी, अगर मेरे को किसी का डेरिवेटिव दिया गया हो और मुझे अगर ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन लेते हैं। याद है क्या बेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 तीनों में हमने पढ़ा है। अगर मेरे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है और अगर मुझे फंक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ही करूंगा ना। करेक्ट, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ दी साइड्स। बस ये दो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं इन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बट जैसे कि मैंने कहा जब तक हम तीन चार सम नहीं कर लेते ना, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ये चैप्टर थोड़ा अनोखा है। ठीक है, तो चलो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल बेटा। सबसे पहला एग्जांपल आपको बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिया है dy by dx
इज इक्वल टू 1 + y / 1 + x। अब जो चीजें बेटा मैं आपको फर्स्ट सम में सिखा रहा हूं ना, ये हर सम में वैलिड होंगी। मैंने क्या कहा, x के टर्म एक साइड, y के टर्म एक साइड, ठीक है। और याद रखना एक चीज, dy/dx ये दोनों टर्म्स हमेशा, दीज टू टर्म्स ऑलवेज शुड बी प्रेजेंट इन दी न्यूमरेटर, इसको कभी भी भूलना मत। ये एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, dy by dx के जो टर्म है बेटा ये हमेशा न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, दे शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दी न्यूमरेटर, तो ही हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं बेटा, सो नीड नॉट वरी। तो मुझे चाहिए dx के टर्म्स dx के साथ, dy के टर्म्स dy के साथ, ठीक है। सो बहुत बहुत ध्यान से, तो dy मुझे न्यूमरेटर में है और ये है y का टर्म, ये है x का टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए dy को इधर ही रखता हूँ, ये 1 + y उधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, और ये जो dx है डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया है, x का पूरा एक साइड हो गया, y का पूरा एक साइड हो गया। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा इस स्टेप में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप? ऐसा कोई जिसे ये चीज नहीं समझी, अरे सर ऐसे कैसे आपने अलग अलग कर दिया? करेक्ट है क्या ऐसा कोई? जिनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा फॉर देम इट इज वेरी इजी, करेक्ट। dy के नीचे y का आ गया, dx के नीचे x का आ गया, राइट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? किसी एक भी बच्चे को डाउट है बेटा अब भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये एक एज एन अल्गोरिदम में हर एक सम में अप्लाई करने वाला हूँ। स्टेप वन हल और हर एक सम में यही रहेगा, dx के टर्म को एक साइड ले लो, dy के टर्म्स को एक साइड ले लो, अलग अलग कर दो, करेक्ट। साक्षी, मंशा, हिमांशु, विश्वास, विकास, एनी डाउट्स? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? चिराग समझा बेटा? विश्वास, विकास, ईशा, यश, नैना, पारस, देव, देव लालवानी, अनीशा, ओके। एक बार आपने ये कर लिया, मैंने क्या बोला स्टेप टू क्या होगा बेटा, व्हाट इज स्टेप टू? इंटीग्रेशन। सो व्हाट आई विल से, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 + y, ठीक है, करेक्ट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 + x। तो क्या मैं कह सकता हूँ, बेसिकली इट इज 1 / 1 + y dy इज इक्वल टू 1 / 1 + x dx, करेक्ट। अभी जो इंटीग्रेशन हमारे x के लिए वैलिड होता है वही सेम हमारे dx के लिए भी वैलिड होता है, तो आपको याद है इसमें इंटीग्रेशन के कोई हाई फंडू फॉर्मूलाज नहीं यूज होने वाले हैं, बेसिक फॉर्मूलाज ही यूज होंगे, करेक्ट। तो व्हाट वी हैव स्टडीड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 / x dx बेटा, याद है इंटीग्रेशन ऑफ 1 / x dx क्या होता है, log mod x plus c, और अगर x की जगह पर कोई लीनियर टर्म आ जाता है, करेक्ट, अगर x की जगह पर कोई लीनियर टर्म आ जाता है तो हम क्या करते हैं बेटा, बाय चेन रूल उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डू यू ऑल रिमेम्बर बेटा, अगर कोई लीनियर टर्म आ गया तो हाँ, इफ देयर इज सम लीनियर टर्म्स आई कैन अप्लाई चेन रूल, तो वही कुछ है, ये 1 / 1 + y है बेटा, एज गुड एज ए लीनियर टर्म है, करेक्ट, और विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो 1 / x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod 1 + y। अब y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 ही आएगा, करेक्ट, मैं फिर भी लिख के बताता हूँ, डिवाइडेड बाय
करेक्ट, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, इट विल बी डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू बेटा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी बेटा, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई तो यही रहेगा, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई ये तो रही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, y विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1। सिमिलरली बेटा इधर लॉग मॉड 1 प्लस एक्स, 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1, और c तो वैसे ही रहेगा। ध्यान रखिएगा c जो है बेटा वो दोनों बाजू मत दे देना, ठीक है, क्योंकि दोनों बाजू दोगे तो सी सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कट हो जाएगा, तो आप कोई भी एक बाजू दे सकते हैं। मैंने राइट साइड दिया है, आपको चाहिए बेटा आप लेफ्ट साइड दे दो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, करेक्ट। अभी व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाय बी, log of a by b is equal to c। अब c क्या है बेटा, constant है, right? बेटा c is what at the end of the day a constant, ठीक है, तो c क्या क्या हो सकता है बेटा, c कोई value हो सकता है say 4, c कोई value हो सकता है say minus 1 by 2, c कोई value हो सकता है say 5 by 8, c कोई वैल्यू हो सकता है से √2, c कोई वैल्यू हो सकता है, इट कैन बी एनी गिवन कांस्टेंट, से log 5, इट कैन बी से log 6, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज व्हाट अ कांस्टेंट बेटा, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, करेक्ट, log ऑफ 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस x, आई एम राइटिंग c एज log c, के c अगर कांस्टेंट है तो log ऑफ c भी क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंट। सो आई एम कंसिडरिंग c इज इक्वल टू log ऑफ c बेटा, ठीक है, और आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने log c लिया है, उसका रीजन है बिकॉज आई वॉन्ट टू अप्लाई वन रूल टू फाइंड दी फाइनल सोल्यूशन, करेक्ट। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमने CA फाउंडेशन में logarithms में देखा है, मैं इक्वेटी बेटा तब कर सकता हूँ जब इक्वल टू के दोनों बाजू log हो, राइट, रूल याद है क्या बेटा लॉगरिथम्स में जो हमने सीखा था, इफ लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी ओनली देन आई कैन से ए इज इक्वल टू बी, याद है क्या बेटा ये रूल, याद है सभी को, अभी कुछ दिन पहले हमने फाउंडेशन में ये रूल पढ़ा है। तो मैं बेटा मैं इक्वेटी तब कर सकता हूँ जब दोनों बाजू लॉग का टर्म हो, करेक्ट। सो कीपिंग इन माइंड दिस रूल व्हाट आई विल से इज 1 plus y upon 1 plus x is equal to c beta, and this will be nothing but my answer, this will be nothing but my answer beta, correct। तो जो जो चीजें हमें basics में चाहिए वो सब चीजें आपके पास यहाँ पर available हैं, जैसे कि ये formula हो गई, ये rule हो गया, ये एक छोटा सा concept हो गया आपका, correct, कि जब मैं आपको constant कह रहा हूँ तो this constant can take any values beta, correct, so you need to just remember these few things while going ahead for the sum, theek hai। first sum mein kisi ko koi doubt beta, first sum mein kisi ko koi doubt, first sum anybody having any doubts beta, correct। तीन चार ऐसे करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा बेटा, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। जैसे ही हमारे तीन चार सम्स हो जाएंगे ना, एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल, ठीक है। फर्स्ट सम में किसी को कोई डाउट है क्या, देव एनी डाउट्स, देव लालवानी, नैना, साक्षी, विशाखा, मंशा, चिराग, सी आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू रिवर्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, बहुत मैंने क्या कहा विथ ऑप्शन 10 मार्क का चैप्टर आता है ये, और देखो ना इंटीग्रेशन ज्यादा डिटेल में डाला है उन्होंने,
ना ही डेरिवेटिव, दोनों की बहुत बेसिक बेसिक सी फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं और कुछ भी ऐसा हाई फंडू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो एक और सम करते हैं। करेक्ट, जैसे ही तीन चार सम हो जाएंगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा बेटा। चलो सेकेंड क्वेश्चन। करेक्ट, आपको दिया है 3 times e^x dx प्लस प्लस 1 e^x प्लस 1 e^x dy इज इक्वल टू 0। dy इज इक्वल टू 0। करेक्ट, तो ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। करेक्ट, तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है तो मुझे वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। अब ऑब्जर्व कीजिए, क्या मैं कह सकता हूँ पहला वेरिएबल बिल्कुल बराबर है x के साथ, x का ही टर्म है जो पहला टर्म है बेटा वो x के साथ x का ही टर्म है। प्रॉब्लम बेटा इस दूसरे टर्म में है, इधर x के साथ dy है। यस और नो बेटा, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? इधर x के साथ क्या है बेटा, y है। यस और नो बेटा? यस और नो? तो अब अगर मुझे ये जो इसके साथ में, इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूं, व्हाट आई शुड डू? आई डोंट वांट दिस टर्म टू बी विद dy, कि मुझे x के टर्म्स एक साथ चाहिए और मुझे y के टर्म्स एक साथ में चाहिए, तो मैं क्या करूं बेटा, किस तरीके से मैं इसे हटा सकता हूं? करेक्ट, ओके, नैना जी ने एक आइडिया दीजिए दिए है, लेट अस वेट फॉर अदर्स। निखिल ने भी एक आइडिया दी है, सर दूसरे साइड लेके जाने में माइनस हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होएगा ना निखिल, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा बेटा, वो वाई जो है ना डी वाई वो इसी के साथ ही रहेगा। वेरी गुड, फिर हम डिवाइड कर दें। करेक्ट, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय 1 e^x। ठीक है, जैसे ही मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा 3 e^x dx प्लस 1 e^x dy इक्वल टू 0 है। तो मैं इसे इधर भी डिवाइड करता हूँ, करेक्ट, बाय 1 e^x। मैं इसे इधर भी डिवाइड करता हूँ 1 e^x, तो राइट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में स्प्लिट कर देता हूँ 3 e^x dx और इधर आ जाएगा 1 e^x प्लस 1 e^x डिवाइडेड बाय 1 e^x dy इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर 1 e^x जो है बेटा कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये क्या मिलेगा, 3 e^x अपॉन 1 e^x dx प्लस dy। अब देखो ये आ गया बेटा x के टर्म्स के साथ dx, y का टर्म तो कुछ है ही नहीं तो dy। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इन सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स? स्टेप वन हमारा हो चुका है इन सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करने में किसी को कोई डाउट बेटा? Anybody having any doubts in separating the variables? Okay, so once this step is done, अब हम क्या करेंगे? Integrating both the sides with respect to x beta. Integrating both the sides with respect to x. ठीक है, so integration दोनों बाजू में लेगा, इधर भी integration 3 e^x upon
वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू, बेटा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो तो क्या होगा, जीरो ही होएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन दोनों को दीजिए, थ्री ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसमें से थ्री कॉन्स्टेंट है बेटा बाहर, इट इज ई रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी नहीं है वन डी वाई, तो ये क्या आ जाएगा बेटा वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी आप बताइए बेटा ये जो पहला टर्म है ये किसके टाइप में है, आपने इंटीग्रेशन में सीखा है बेटा ये चीज, करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट। न्यूमरेटर में जो है क्या प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दी डिनोमिनेटर, हमने एक रिजल्ट भी सीखी थी, करेक्ट, वी हैव ऑल्सो स्टडीड वन रिजल्ट बेटा, यस और नो, याद दिलाऊं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा कोई है जो बता सकता है बेटा इसका आंसर, एनी वन हु कैन गिव मी द आंसर फॉर दिस, वेरी गुड वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यस और नो। तो देखो ना बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है बेटा न्यूमरेटर में, तो मैं क्या कहूंगा थ्री, करेक्ट, इधर तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, इट विल बी लॉग मॉड वन प्लस ई रेस टू एक्स प्लस में क्या आ जाएगा बेटा y इक्वल टू जीरो, करेक्ट, इधर आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा, करेक्ट, सो आई एम राइटिंग द रिजल्ट ओवर हेयर, करेक्ट, आपको भी याद रहेगा और एज अ रीजन भी काम आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर, सो हमारा आंसर क्या होगा थ्री टाइम्स log mod 1 plus e raised to x plus y equal to 0, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, सेकेंड क्वेश्चन ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सेकेंड क्वेश्चन बेटा, हाँ प्लस सी सॉरी बेटा सॉरी 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 प्लस सी लिखना मैं भूल गया हूँ, करेक्ट, वो कोई भी एक साइड दे सकते हैं दीपिका, कोई भी एक साइड दे सकते हैं, यू कैन गिव इट ऑन वन साइड, तो मैं किधर भी दे सकता हूँ ऐसे, तो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा प्लस सी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ रिमाइंडर, और इधर भी लिख सकता हूँ मैं प्लस सी इक्वल टू जीरो, वो आप किधर भी दे दीजिए, दैट इज कम्प्लीटली फाइन बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू दीपिका। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, सेकंड क्वेश्चन, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, देव समझ रहा है, विकास, विकास बेटा, विकास, विश्वास, हिमांशु, यश समझ रहा है बेटा, विश्वास को, प्रियंका को, साक्षी, पारस, लक्षदा, पारस को समझ रहा है क्या, पारस, ओके, चलो एक और समझाते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी और बढ़ाते हैं कैसे वेरिएबल्स को सेपरेट करने का, ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन बेटा, देखो वो आपको बोला है फाइंड दी सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस x dy by dx इज इक्वल टू जीरो बेटा, ठीक है। अभी सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा भाई, y और dy एक साथ, ठीक है, x और dx एक साथ, पहला काम तो हमें वो करना है, मुझे वेरिएबल्स को किसी भी हालत में पहले सेपरेट करना है, मतलब करना है, ठीक है, तो मैं पहला स्टेप करता हूँ से y इज इक्वल टू
से x dy by dx। अब मुझे y इधर चाहिए, करेक्ट? तो बहुत ध्यान से, y को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये आ गया dy के नीचे y, ये dx को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये आ गया dx इधर, और ये x को इसके नीचे लेके आता हूँ, तो ये आ गया x नीचे। क्या मैं कह सकता हूँ हमारे दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, करेक्ट? यस और नो? जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग कैन आई से माय बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट नाउ? सेपरेट हो गए क्या बेटा? एवरीवन, कैन आई से दैट द वेरिएबल्स आर बीन सेपरेटेड नाउ? y और dy एक साथ है, x और dx एक साथ है। अभी एक बार सेपरेट कर लिया, व्हाट इज अवर अनदर स्टेप? टू इंटीग्रेट। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स with respect to x dx, so integration of dx upon x is equal to integration of dy upon y. So basically it is 1 by x dx is equal to 1 by y dy. और आप सभी लोगों को फॉर्मूला पता है, इसका आंसर क्या आएगा? log mod x is equal to log mod y, किसी भी एक जगह पे हम दे देंगे, प्लस सी। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ लॉग वाई को ये बाजू लेके आओ, तो ये आपको क्या मिलेगा? लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू सी। लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी। अब मैं आंसर तब लेके आ सकता हूँ बेटा जब दोनों बाजू क्या हो? लॉग हो। तो मैं क्या कहूंगा? log of x by y, c की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? log c, करेक्ट? आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, that you are taking constant c is nothing but what? log c. now if log a is equal to log b, then you can say a is equal to b, and that will be our answer. third sum, anybody having any doubts beta? Sum number 3, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in sum number 3 beta? Kisi ko bhi koi bhi doubt hai beta, ab bhi pooch lijiye. Any doubts to anyone in sum number 3 beta? Okay, to chalo sum number 4 par aage badhte hain fir. Yes, everybody ready for sum number 4? Variable separate kar payenge abhi aap? Huh? Will you be able to separate the variables beta? Try karenge variables ko separate karne ki. Everyone. Okay, to dekhiye aapko equation di gayi hai. dy by dx is equal to x square y plus y. ठीक है, आपको dy by dx दिया गया है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। सिर्फ दो मिनट के लिए सोचिए, ओनली फॉर टू मिनट्स, करेक्ट? कि आप सेपरेट करेंगे कैसे? ओनली फॉर टू मिनट्स। ओके, वेरी गुड, दैट्स नाइस। काफी बच्चे अच्छा ट्राई कर रहे हैं। ओके, चलो बेटा, लेट मी ट्राई नाउ, देखते हैं क्या मिलता है बेटा। देखिए, नहीं 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 देव, सी मैंने क्या कहा, जिन लोगों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। देखिए कैसे, मुझे y के साथ dy चाहिए, x के साथ dx चाहिए, तो पहले तो मैं क्या करूंगा,
मैं पहले तो इधर से वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब मुझे वाई के साथ चाहिए डीवाई, और डीवाई एज वेल एज डीएक्स ये दोनों न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा, देखो डीवाई को इधर ही लिख रहा हूँ, ये जो वाई है ना बेटा इसको मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, वाई को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो गया डी वाई बाय वाई। ठीक है, और फिर करेक्ट मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके साथ आ जाएगा डी एक्स। करेक्ट, किसी को कोई डाउट बेटा इस स्टेप में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप बेटा? किसी को भी कोई भी डाउट है क्या बेटा? निखिल समझा? नैना इज डन इट करेक्टली? करेक्ट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? पक्का बेटा? ओके, चिराग समझा? चिराग, चिराग डिड यू अंडरस्टूड बेटा? ओके, अभी एक बार आपने डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को साथ में ले लिया, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन बाय वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, वन बाय वाई आ जाएगा बेटा, लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन दोनों को मिलेगा, राइट? व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा, एक्स क्यूब बाई थ्री, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वन बेटा, एक्स प्लस सी। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? एंड दैट इज योर आंसर, यस और नो? कौन सी फॉर्मूला लगाई बेटा हमने इधर? हमने इधर एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला लगाई ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, एंड दैट बिकम्स योर आंसर बेटा। एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई भी डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सेम सेम हर एक क्वेश्चन में आपको यही चीज करनी है, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन भी बेसिक, कोई ऐसा हाई फंडू इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है आपको, इट्स गोना बी वेरी वेरी बेसिक बेटा। ठीक है, तो चार क्वेश्चन हो चुके हैं, पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बेटा मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने से भी पहले आप कुछ चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, पहले टर्म में बेटा एक्स स्क्वायर है, करेक्ट, तो जो मैं कॉमन ले सकता हूँ। दूसरे टर्म में बेटा वाई स्क्वायर जो है वो दो बार है, तो मैं उसे भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो मुझे ब्रैकेट में मिलेगा वन माइनस वाई डी वाई। वेरी गुड निखिल, लेकिन वो आगे का स्टेप है, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ निखिल, चलेगा? आप अपनी जगह पे 100% सही है निखिल, बट मैं ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, विल इट बी ओके अगर आपके वाली स्टेप बाद में परफॉर्म करूँ तो? करेक्ट, तो यहाँ से अब मैंने वाई स्क्वायर बाहर ले लिया, इधर मुझे मिलेगा वन प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी बेटा वन प्लस एक्स है, करेक्ट, पहले टर्म से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, दूसरे टर्म से वाई स्क्वायर जो है बेटा बाहर निकल गया। अब देखिए, अब मुझे वाई के साथ वाई के टर्म्स चाहिए और एक्स के साथ एक्स के टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो ये इधर पूरा वाई है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर आ गया है,
मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये पूरा टर्म एक्स का है लेकिन इधर वाई स्क्वायर आ गया है, करेक्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई शुड डू? व्हाट स्टेप आई शुड परफॉर्म? मुझे y के साथ y चाहिए, x के साथ x चाहिए, करेक्ट। वेरी इजी, जैसा कि निखिल ने कहा, सर डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय x स्क्वायर y स्क्वायर। यस निखिल, चलेगा बेटा? अभी यहां पर किया तो यहां पर आपको मिलेगा x स्क्वायर 1 माइनस y dy, y स्क्वायर 1 प्लस x dx इज इक्वल टू 0। सो डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स, तो हम निखिल वाली पॉइंट पर ही थे बेटा। मुझे यहां से x स्क्वायर हटाना है, यहां से y स्क्वायर हटाना है। सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सो अब मैं अगर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 1 माइनस बाय डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस, इधर है मेरे पास 1 प्लस एक्स। तो जब इसको ये वाला टर्म मिलेगा तो सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर कट जाएगा, मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, डी एक्स इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट आई हैव सेपरेटेड, करेक्ट, द एक्स टर्म्स एंड द वाई टर्म्स? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? करेक्ट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दिस स्टेप? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म को दिया तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, फिर इसे दिया इधर वाई स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। यस, सो एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन दिस स्टेप? करेक्ट, क्या मैं कह सकता हूं अब हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं बेटा अच्छे से? यस और नो बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? Anybody having any doubts, beta? Okay. अभी integrate करेंगे बेटा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ उसके भी पहले मैं से और भी divide कर सकता हूँ। ये है 1 minus y upon y square dy plus ये है 1 plus x upon x square dx। अगर बेटा मैं इसे internally भी split कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इफ आई एम स्प्लिटिंग इट इंटरनली, इधर मिलेगा 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय वाई स्क्वायर डी वाई प्लस, ये मिलेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म जो है बेटा, फर्स्ट टर्म उसे मैं लिख सकता हूँ, इट इज वाई रेज टू माइनस टू, सेकेंड टर्म इज नथिंग बट 1 बाय वाई डी वाई प्लस, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म आई कैन राइट इट एज एक्स रेज टू माइनस टू, सेकेंड टर्म आई कैन राइट इट एज 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, करेक्ट। ये हमारे वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, हम लोग अच्छे से उसे रिड्यूस भी कर चुके हैं। नाउ आई कैन से integrating both the sides with respect to, on integrating both the sides we get beta, on integrating both the sides we get, ठीक है। तो integration तो दोनों ही terms को मिलेगा हर एक को, so this will be integration of y raised to minus 2 dy minus integration of 1 by y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या आ जाएगा, y रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसका क्या आ जाएगा बेटा, log mod y,
इसका आ जाएगा एक्स रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, इसका आ जाएगा लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, ये क्या मैं कह सकता हूँ, ये वाला टर्म इट इज माइनस वन बाय वाई, कैन आई से दैट बेटा, ये y रेज टू माइनस वन है ना, देखिए ये y रेज टू माइनस वन है यानी कि ये वन बाय वाई है, तो इसके डिनोमिनेटर में माइनस वन दिया, तो क्या मैं इसे माइनस वन बाय वाई लिख सकता हूँ, यस और नो बेटा, कैन आई राइट इट, करेक्ट, और यहाँ पर है माइनस लॉग मॉड y, सिमिलरली इसे मैं लिखूंगा माइनस वन बाय एक्स, क्या है दो साइन आजू बाजू में नहीं लिख सकते, हेंस आई एम यूजिंग ब्रैकेट, प्लस लॉग मॉड एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये जो दोनों नेगेटिव है ना, आई एम टेकिंग देम ऑन दी अदर साइड, तो मुझे ये मिलेगा लॉग मॉड y प्लस लॉग मॉड x, ये माइनस वन बाय एक्स से ये बाजू आएगा तो प्लस, माइनस वन बाय वाई ये बाजू आएगा तो प्लस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, ये log y को मैं लिख सकता हूँ log x माइनस log y इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई, दोनों में से कोई भी एक साइड पे आप c दे सकते हैं, राइट, तो मैं ये साइड पे प्लस c दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, आप इसे भी फाइनल आंसर मांग सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे आप log ऑफ x बाय वाई, इफ यू वॉन्ट then you can also write it as log of x by y is equal to 1 by x plus 1 by y plus c, even this can be your answer, correct, so both the answers are correct, theek hai, so sum number 5, anybody having any doubts beta, sum number 5, anybody having any doubts, sum number 5, any doubts to anyone beta, किसी को भी कोई भी डाउट वो प्लीज पूछ सकता है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 5, चिराग देव, देव लालवानी, विशाखा, लक्षदा, दीपिका, विश्वास, विकास, हिमांशु, अनीशा, ईशा, एनी डाउट्स टू एनीवन, Anybody having any doubts बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट है क्या, निखिल एनी डाउट्स बेटा, निखिल, निखिल, यश, यश किधर है, यश को कोई डाउट है क्या बेटा, यश, ओके, विश्वास को कोई डाउट है, विश्वास, विश्वास एनी डाउट्स, ओके, चलो अगले सम पर जाते हैं, नेक्स्ट सम बेटा, अभी नेक्स्ट सम जो है ना वो उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल्स थोड़े अलग दे दिए हैं आपको, आप देख सकते हैं आपको दिया है डी थीटा बाय डीटी, डी थीटा बाय डीटी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, आप बोलेंगे सर अब तक तो dx dy था, करेक्ट, तो सर इधर तो d थीटा का तो दिख रहा है आपने को टर्म थीटा, तो dt के साथ क्या जो बचेगा वो dt के साथ ना बेटा, करेक्ट, तो वेरिएबल्स देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट, अभी मैं क्या करूंगा d थीटा के साथ d थीटा के टर्म्स, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो किसके साथ आ जाएगा बेटा, डी टी के साथ, करेक्ट, तो ये कैसे होगा डी थीटा बाय, ये थीटा के टर्म्स को ये साइड ले लिया, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, हो गया सेपरेट, इजी बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, किसी को भी कोई डाउट है क्या, एक बार आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग, करेक्ट, सो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, अब जो फॉर्मूलाज एक्स वाई के लिए वैलिड हैं बेटा वो थीटा वगैरह के लिए भी वैलिड होंगी,
दिस इज वन अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। अब काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, करेक्ट कि सर ये थीटा नॉट क्या है? अरे इट इज व्हाट, देखो थीटा वेरिएबल है, करेक्ट, तो थीटा नॉट क्या होगा, ये उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, यानी कि क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, यस और नो? अगर एक्स एक वेरिएबल है उसके साथ अगर मैं वन दे दूं, करेक्ट, तो ये वन क्या है, एक्चुअली कांस्टेंट है। सो जस्ट रिमेम्बर दिस, ये है ना टेक्स्ट बुक में उन्होंने किधर भी मेंशन नहीं किया है, इसीलिए व्हेन आई वाज सॉल्विंग एट द अदर प्लेस इन थाने, तो उधर ये तकलीफ आ गई थी बेटा, बच्चे डर गए, सर अब थीटा नॉट क्या है? तो थीटा नॉट कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, करेक्ट। तो आप देखिए, तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी वन, थीटा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो। बहुत ध्यान से बेटा, थीटा माइनस थीटा नॉट का डेरिवेटिव लीजिए ना, क्या आएगा, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन, करेक्ट, थीटा नॉट इज अ पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि कांस्टेंट, डेरिवेटिव जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, यस और नो? ये जो आपको दिया है वन अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज वन, करेक्ट, थीटा नॉट एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो, करेक्ट। तो ये मुझे क्या मिलेगा, लॉग मॉड थीटा माइनस थीटा नॉट, इसमें आपको याद रखना है, करेक्ट। हो सकता है कि आपको आगे जब टेक्स्ट बुक को अपडेट करेंगे ना, तो आपको मेंशन करेंगे वेयर थीटा नॉट इज अ कांस्टेंट, ये बार उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उन्हें मेंशन करना चाहिए, क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो सोचेंगे कि थीटा नॉट क्या है, करेक्ट। तो थीटा नॉट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मतलब कॉन्स्टेंट, जैसे कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको हर बार आंसर कॉन्स्टेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन यही अगर मैं आपसे बात करूं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, आपको हमेशा आंसर जनरल मिलता है, ठीक है। अब यहां से माइनस के कांस्टेंट है बाहर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा, करेक्ट। अभी प्लस सी आपको जिधर चाहिए आप दे सकते हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूं बेटा प्लस सी, ठीक है। नाउ केयरफुली बेटा, सो ये आ चुके हैं हमारे टर्म्स, सो दिस आई थिंक शुड बी योर फाइनल आंसर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो आपको ये वाला फाइनल आंसर नहीं दिया है, करेक्ट। तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला सर आपका आंसर रॉन्ग है, बेटा आंसर रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है, क्या होगा, इन्होंने थोड़ा आगे सॉल्व किया है, और जो आगे सॉल्व किया है वो आप लोग भी कर सकते हैं। चलो बताओ, मैंने आपको फाउंडेशन में एक चीज सिखाई थी कि बेटा लिमिट्स डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में, करेक्ट, बेस क्या होती है बेटा, व्हाट इज द बेस बेटा, लिमिट्स डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में लॉग का बेस क्या होता है बेटा, व्हाट इज द बेस ऑफ लॉग बेटा, ई, राइट। तो क्या मैं यहां पर, करेक्ट, लॉगरिथम्स का डेफिनेशन लगा सकता हूं, बेस विल रिमेन बेस, अदर टू विल चेंज देयर प्लेस, कैन आई से दिस बेटा, मैंने लॉगरिथमिक टर्म को एक्सपोनेंशियल टर्म में लिख दिया, अब ये आपका मैच करेगा बेटा, नाउ इट इज गोइंग टू मैच विथ योर आंसर। तो बेसिकली इन्होंने क्या अप्लाई किया था पता है, लास्ट स्टेप में डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स, दे हैव जस्ट अप्लाइड द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, करेक्ट। अब मुझे सिर्फ एक सम करवाना है, तो कैन आई एक्सटेंड इट बाय 2-3 मिनट्स बेटा, 7 to 7:30 तक एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या बेटा, जस्ट 2-3 मिनट्स, विल इट बी ओके, आपकी आधी एक्सरसाइज हो जाएगी बेटा, करेक्ट। सिर्फ 2-3 मिनट एक्सटेंड करना है मुझे, ज्यादा नहीं, इट्स 6:58, आई मे लीव अप टू 7:02 बेटा, सिर्फ 2 मिनट्स बेटा, ठीक है। उसके पहले इस समय किसी को डाउट है क्या बेटा, सम नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, जल्दी रिवर्ट कीजिए, तो मैं आखिरी सम पर आगे बढ़ू बेटा, सम नंबर 6, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, क्विक बेटा जल्दी, लक्षदा एनी डाउट्स, विश्वास, यश, चिराग, अनीशा, ईशा,
मंशा, ओके बेटा, यश, ओके। सो लास्ट सम करेक्ट योर 8.3 के पहले चार सवाल हो चुके हैं इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जाम्पल्स। बेटा मैंने क्या किया, इस बार सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए हैं ताकि आपका वो भी टाइम बचे। ठीक है, तो सम नंबर 7 बेटा देखिए क्या दिया है आपको। दिया है वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बेटा। ठीक है, वैसे क्या मैं होमवर्क दे देता लेकिन आपको बेटा एग्जाम्स भी चालू है ना, प्रीलिम एग्जाम्स, हेंस आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग एज होमवर्क बेटा। ठीक है, तो हमारा स्टेप वन क्या है, एक्स के साथ डी एक्स के टर्म्स और वाई के साथ बेटा डी वाई के टर्म्स। तो मेरे पास है वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वाई और एक्स के टर्म्स एक साथ चाहिए, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ डी वाई, यस वेरी गुड, निखिल ने पहले ही बता दिया। सर क्या करो, पहले तो ना डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ ले लो। तो ये आ गया बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी निखिल क्या करेंगे, कॉमन, वेरी गुड वेरी गुड। सिर्फ निखिल आंसर दे रहा है बेटा, आई वुड लाइक अगर बाकी लोग भी ऐसे जल्दी जल्दी आंसर दें। सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन। अभी मुझे डी वाई के साथ वाई का चाहिए, डी एक्स के साथ एक्स का चाहिए, तो मैं क्या करूँ बेटा, इस वाई क्यूब को इधर लेके आता हूँ और डी एक्स के टर्म को इधर लेके जाता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, इधर न्यूमरेटर में आ गया डी एक्स, ठीक है, इधर डी वाई के नीचे आ गया बेटा वाई क्यूब, और ये जो एक्स प्लस वन है इसको दूसरे साइड लेके जाऊंगा, एक्स प्लस वन। एनी डाउट्स टू एनी वन इन दिस स्टेप बेटा, एनी डाउट्स टू एनी वन इन दिस स्टेप बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट बेटा इस स्टेप में, करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनी वन। ओके, सो एक बार हम यहां तक पहुंच गए, अगला स्टेप क्या है बेटा हमारा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स वी गेट बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स वी गेट। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई क्यूब। सो बेसिकली इट इज वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई। ठीक है, तो ये आपको पता है दोनों का फॉर्मूला, पहले का फॉर्मूला क्या होगा एवरी वन, वॉट इज गोइंग टू बी दी फॉर्मूला फॉर फर्स्ट वन बेटा, फर्स्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज वॉट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, करेक्ट। और ये क्या आएगा वाई क्यूब का बेटा, वाई रेज टू माइनस टू अपॉन माइनस टू। अभी प्लस सी आपको जिधर चाहिए आप लिख सकते हैं, राइट, मैं कोई भी एक साइड में यहां पर लिख रहा हूँ, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, करेक्ट। अभी अनफॉर्चुनेटली टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में क्या किया, थोड़ा और सॉल्व किया है, तो कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। उन्होंने सिर्फ क्या किया, देखो बेटा ऐसे किया, लॉग मॉड एक्स प्लस वन, इधर उन्होंने इसको लिखा है माइनस वन अपॉन टू वाई स्क्वायर प्लस सी। क्या मैं कह सकता हूँ बेटा दोनों का मतलब वही है, यस और नो बेटा, कैन आई से मीनिंग ऑफ बोथ दी थिंग्स आर सेम, क्यों बेटा, देखो अगर आपके पास है वाई रेज टू माइनस टू अपॉन माइनस टू, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, वन बाय वाई स्क्वायर होगा, तो मैं उसे लिख सकता हूँ ना माइनस वन बाय टू वाई स्क्वायर, करेक्ट। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा, डू यू ऑल एग्री विद दिस। अभी आपको चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके भी आगे बढ़ सकते हो, करेक्ट। सो इफ आई टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक, करेक्ट, सो दे हैव अगेन वेंट फॉर व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट, बट बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि जितना हो सके उतना सॉल्व करो। तो ये मिलेगा आपको माइनस वन, ठीक है, प्लस टू वाई स्क्वायर सी अपॉन टू वाई स्क्वायर। अब टू वाई स्क्वायर को दूसरे साइड लेके जाओ, सो टू वाई स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू वाई स्क्वायर सी, करेक्ट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, exactly matching with your test book, ठीक है। Anybody having any doubts बेटा?
एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम? सो यू हैव कंप्लीटेड 8.3 हाफ एक्सरसाइज, वेरिएबल सेपरेबल मेथड खत्म हो गया, इंक्लूडिंग सॉल्व एग्जांपल्स हो गए बेटा। अब अगला जो है वो क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हम कल देखेंगे, ठीक है? सो आई विल रिक्वेस्ट चिराग टू डू द नीडफुल, विल स्टॉप हियर बेटा, सी यू ऑल सून, थैंक यू, हैव अ सुपर्ब इवनिंग, थैंक यू एवरीवन।